हार्दिक पांड्या ने डांटा, फिर बांग्लादेशी गेंदबाजों पर निकला रिंकू सिंह का गुस्सा। छक्के चौकों से कूटे 38 रन, ठोक डाला तूफानी अर्धशतक। तो रिंकू सिंह को वैसे तो मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं वो बड़ा काम करके दिखाते हैं। रिंकू सिंह ने दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में कमाल की बैटिंग की। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मात्र 29 गेंदों में 53 रन बनाए। रिंकू सिंह ने अपनी पारी में 3 छक्के और 5 चौके लगाए। रिंकू ने मुश्किल वक्त में टीम इंडिया को संभाला और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 108 रनों की साझेदारी की। रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी के लिए आए तो टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव के विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रिंकू ने आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा बोला। उन्होंने बांग्लादेशी स्पिनर्स की जमकर खबर ली और सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। ये रिंकू सिंह के T20 करियर का तीसरा अर्धशतक है। यहाँ बड़ी बात यह है कि काफी समय बाद रिंकू को टीम इंडिया ने 5वें नंबर पर खेलने का मौका दिया, जो कि उनकी फेवरेट पोजीशन है, और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद जब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही रिंकू सिंह को डांट लगा दी। रिंकू ने एक रन के लिए हार्दिक को दौड़ाया और इसके बाद इस ऑलराउंडर ने रिंकू पर चिल्लाते हुए कहा कि तुमने कॉल तेज नहीं की। मतलब रिंकू ने कॉल तो की थी, लेकिन वो हार्दिक पांड्या को सुनाई नहीं दी। खैर, रिंकू का ध्यान इस बात से नहीं भटका और उन्होंने अर्धशतक लगाकर ही दम लिया। रिंकू ने अब तक करियर में सिर्फ 8 T20 पारियां खेली और उनका औसत 58 से ज्यादा का है। लेकिन आपको बता दें कि इस खिलाड़ी को सीरीज का दूसरा मैच बहुत भाता है। रिंकू सिंह के करियर की बात करें तो इस खिलाड़ी ने अब तक सीरीज के दूसरे मैच में 6 पारियों में 123 से ज्यादा की औसत से 247 रन बनाए हैं। इस दौरान रिंकू का स्ट्राइक रेट भी 190 से ज्यादा का रहा है।